नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान साथी रवि यादव। किसान भाइयों, ये देखिए जीवामृत है। और किसान भाइयों, ये देखिए 1000 लीटर, 500 लीटर की दो टंकियां हैं और इसमें 15 लीटर गौमूत्र, 25 kg गोबर गाय का और 4 kg गुड़ और 4 kg बेसन और बाकी पानी डाल करके इसको एक हफ्ता ढंक देते हैं ये किसान भाई। फिर जब सिंचाई करते हैं तो जब पानी लगाते हैं तो एक टोटी की सहायता से इसे भी गिराते हैं जीवामृत। और 500 लीटर 1 बीघे के लिए पर्याप्त है। उनके पास छोटा सा ट्रैक्टर भी है, ये देखिए रोटावेटर है छोटा वाला, उसी से ये किसान भाई अपना पूरी खेती करते हैं और ये बहुत ही टेक्निक के साथ खेती करते हैं किसान भाइयों। ये देखिए उनका देसी गोबर का खाद है और इस पे भी जीवामृत उन्होंने डाला हुआ बना करके। ये देखिए कितनी भुरभुरी खाद हो गई है, इसमें पूरी बैक्टीरिया किसान भाइयों हैं और एकदम नीचे से ऊपर कहीं भी आप खाद निकालेंगे एकदम भुरभुरी मिलेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे ये किसान भाई खाद गोबर को रखते हैं, उसके बाद जीवामृत डाल करके इस तरह से बनाते हैं और अपने खेतों में यही उपयोग करते हैं। ये देखिए छोटा ट्रैक्टर है उनका। और जो किसान भाई देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये देखिए ये सोनालिका कंपनी का है 4x4, बहुत ही मस्त ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सभी काम बहुत ही आसानी से ये कर देता है। तो किसान भाई, इन किसान भाई के पास बहुत ही टेक्निक वाला खेती ये करते हैं और ये रसायन का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, बिल्कुल नाम मात्र उनका, सब यही जैविक वाला सिस्टम है। रोटावेटर देखिए किस तरह से कितना छोटा है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। ठीक किसान भाई, नमस्कार।